Hey guys, welcome back to my channel Sonali Basti. I hope you guys doing well. तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ वो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि what I realize कि हम ऐसे ट्रेंड में आ चुके हैं जबकि फैशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और जब फैशन की बात आती है तो हम ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो कि हम सोचते हैं यार ये सही है ये गलत है, लेकिन हमें रियलाइज करना भूल जाते हैं कि हमारी एक बजट है, हमारा एक पॉकेट है जो कि हमें अलाउ करता है उस फैशन को अपनाने के लिए. यस गाइज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है. यस, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ ताकि आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज और मिलते रहें, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है. ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये वीडियो मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं करने वाली हूँ. दिस इज नॉन एडिटेड वीडियो और आई डोंट नो ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, बिकॉज ये वीडियो मैं अपने कैमरे से, मोबाइल कैमरे से शूट कर रही हूँ. आई एम नॉट यूजिंग माई DSLR फॉर दिस बिकॉज आई रियली डोंट हैव टाइम राइट नाउ और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. और मैंने ये था ये रियलाइज़ करा कि लेट्स सी कि कहते कैमरे की वीडियो कैसे जाती है, और इस वजह से ये था आप कंटेंट बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं. तो कहते मैंने सोचा लेट्स ट्राई, तो कहते आई एम गिविंग अ चांस. ओके गाइज, अगर ये वीडियो अपलोड हो चुकी है दैट्स मीन कि ये वीडियो बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है. और अगर मैं कहीं रुक जाती हूँ बीच बीच में तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है. तो ऐसा होना इट्स लाइक वेरी कॉमन, क्योंकि कोई भी इंसान हो वो कंटिन्यूसली कब तक बोल सकता है, उसकी कैपेसिटी होती है एक. तो ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. क्या कहते हैं, स्टॉप दिस ब्लैबलिंग सो मच, क्योंकि मैं कहते हैं बहुत ज़्यादा ब्लैबल करती हूँ, क्योंकि आई नो मैं किया है. ओके गाइज, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कहते आजकल के जो फैशन है वो इस तरीके का है कि हम उसे कॉपी करते हैं, हम सोचते हैं कि यार वो सही लग रहा है हम पे, अगर वो उस पे सही लग रहा है तो वो हम पे भी सही लगेगा. ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा गलत सोच सकते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपना अपना एक फैशन स्टाइल होता है. और मुझे लगता है कि कोई भी किसी का भी फैशन स्टाइल कॉपी कर सकता है. मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि कैसे लोग कर लेते हैं. इवन मैं ये कहते एक ब्लॉगर हूँ, कभी भी किसी का भी फैशन स्टाइल तो कॉपी करने में बिलीव नहीं रखती हूँ. आई नो मेरा थोड़ा इंस्टाग्राम डिफरेंट है, इसी वजह से डिफरेंट है क्योंकि मैं किसी का भी फॉलो नहीं करती हूँ. और अगर वो चीज़ मुझे डिफरेंट बनाता है तो आई डोंट केयर. डिफरेंट बनना मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही, जब मैं कॉलेज में थी इवन कहते मैं हमेशा कहते लोग कहते थे कि तू इतना डिफरेंट क्यों बन के आ रही है, कहते तू बिल्कुल भी कहते हैं इन लड़कियों जैसी नहीं है, बिल्कुल अलग लग रही है. क्योंकि वो मुझे पसंद थी, वो मेरे कम्फर्ट जोन में थी, और जो चीज़ें मेरे कम्फर्ट जोन में थी मैं उसको क्यों ना अपनाऊँ. क्यों मैं किसी का फैशन सेंस कॉपी करूँ, किसी का कंटेंट कॉपी करूँ जब मुझे पसंद ही नहीं, और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो मैं क्यों करूँ. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते सोचते हैं कि यार मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं अच्छा लगूंगा, ठीक है, लेकिन आई डोंट नो कहते वो फैशन डिजास्टर हो जाता है कहीं ना कहीं. मे बी वो चीज़ उस पर अच्छी लग रही है लेकिन आप पे ना अच्छी लगे, ऐसे ज़रूरी नहीं है ना गाइस. आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए. आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, कहता कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ या ये क्या बोल रही हूँ, लेकिन आपको उस चीज़ को, अगर कोई फैशन ब्लॉगर किस कोई भी चीज़ डाल रही है तो वो इसलिए डालती है कि आप उसको कहते अपनाएं, ताकि उसको कॉपी करें. अपनाने और कॉपी करने में बहुत डिफरेंट होता है, उस चीज़ को आपको समझना चाहिए. अगर आप वो चीज़ समझ जाएंगे ना गाइस, आई डोंट थिंक सो कि कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि फैशन डिजास्टर हो गया. कोई भी चीज़ ले लीजिए, अगर आप पहन रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उस बंदे ने मेकअप वैसा किया था, उस बंदे ने किया था, उस वैसे जैसी ज्वेलरी पहनी थी वैसी मैं पहनूँ, ज़रूरी नहीं है. आपको अगर वो कंफर्ट लगता है, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ सही है तो आप उसे पहने, उसको क्या कहते हैं करें. अगर आपको नहीं लगता है कि वो सही है तो उसको ड्रॉप कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस. आई डोंट थिंक सो कि ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ अगर आप ये सोचते हैं कि उसको कॉपी करना सही है और क्या कहते हैं मेरा फैशन भी सही जा रहा है तो ठीक है, इट्स फाइन. लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, कुछ लोगों के लिए वही फैशन फैशन डिजास्टर बन जाता है और वो अपना फैशन सेंस भूल जाते हैं कि यार ये चीज़ मुझ पर अच्छी लगेगी, ये मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे कहते अपने कंफर्ट जोन को ध्यान में रखना चाहिए. फैशन मेरे ख्याल से बाद में है, कंफर्ट जोन पहले है, तो उस चीज़ को आपको अडेप्ट करना चाहिए.
इन माई ओपिनियन। और अगर आपको ये लगता है कि क्या कहते हैं इसको फॉलो कर रहा हूँ मैं लेकिन वो चीज़ तो मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता, तो आपको अपना पॉकेट तो हमेशा देखना चाहिए। अगर आप अपना पॉकेट देख रहे हैं, अगर आप अपना बजट को देख के ही उस चीज़ को करें, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ सही है। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार क्या कहते हैं ये चीज़ तो बहुत कॉस्टली है, हम कैसे अफोर्ड करेंगे क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं है, और उस चीज़ से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो गाइज, वो चीज़ आपको करनी चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं मुझसे भी डिमोटिवेट हो रहे हो तो आप प्लीज़ मुझे अनफॉलो कर दीजिए, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ से किसी चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं तो आपको उसको सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। गाइज इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया है, इतने ज़्यादा ब्लॉगर्स हो गए हैं, इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स हो गए हैं कि किसको फॉलो करें और किसको ना फॉलो करें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मैं कभी भी किसी का वीडियोज़ नहीं देखती हूँ, इवन मैंने कहते बहुत सारी ब्लॉगर्स हैं कहते हैं जिनका वीडियोज आज तक नहीं देखा है, फैशन ब्लॉगर्स हैं और वो बहुत टॉप की ब्लॉगर्स हैं, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, मैं साफ कहती हूँ, ठीक है ओके। लेकिन क्या कहते हैं सिर्फ क्या कहते हैं मैं इस वजह से नहीं देखती हूँ कहीं उनका कंटेंट मैं कॉपी ना कर दूँ, कहीं ना कहीं मेरे से निकल ना जाए, क्योंकि मेरा एक खुद का स्टाइल है और स्टाइल कभी भी कॉपी नहीं हो सकता है, फैशन इसी तरीके से कभी भी कॉपी नहीं हो सकता है। बिलीव मी गाइस, अगर आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे, अगर आप ये सब चीज़ें समझ लेंगे कि यार ये चीज़ मेरे लिए सही है, तो आई डोंट थिंक सो कभी भी फैशन डिजास्टर होगा। गाइस कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं ये चीज़ सही है और ये तो हमारे बजट में भी है, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इवन मैं ये तो अपने जो कंटेंट है उसको इतना ध्यान में रखती हूँ कि ये तो लोग उसे क्या कहते हैं अपना सकें, उस उनकी बजट के हिसाब से मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कॉस्टली कपड़े क्या कहते हैं कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो फैशन किस काम का। इवन मैंने ये टॉप पहन रखा है, ये सिर्फ 50 रुपीज़ का है, मुझे क्या कहते हैं बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं। इवन अगर आपने मेरा मिनी हॉल देखा हो तो उसमें मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें लाई हूँ जिस जो लोग अपना सकें, जो लोग क्या कहते हैं अफोर्ड कर सकें, और इवन क्या कहते हैं वो चीज़ें बहुत चीप हैं, क्या कहते हैं बहुत ही क्या कहते हैं चीप है, मैं कहूँगी क्या कहते हैं कि बहुत ही कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है आई थिंक क्या कहते हैं। तो इस वजह से क्या कहते हैं वो चीज़ मुझे वो वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डोंट वरी अबाउट दैट। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यार मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, अगर किसी की भी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कॉस्टली चीज़ें मेरे ख्याल से कि बजट फ्रेंडली नहीं होती हैं, और अगर कोई चीज़ बजट फ्रेंडली नहीं है किसी चीज़ किसी के लिए तो मुझे नहीं लगता वो फैशन ठीक है। फैशन को आप अपनाएं, किसी को कॉपी ना करें, अपने फैशन को अपने कम्फर्ट जोन से कहते अगर आप ये कहते थोड़ा सा बाहर निकलना भी चाहते हैं ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं उस फैशन को अपनाने के चक्कर में क्या कहते हैं आप कोई किसी का फन का पात्र बने। आई रियली डोंट वांट कि आप क्या कहते हैं फन का पार्ट बने, सीरियसली वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वैसी चीज़ हम पे भी अच्छी लगे तो उसमें अपना थोड़ा सा और दिमाग लगाइए कि वो हम पे कैसे अच्छी लग सकती है। मे बी क्या कहते हैं उसने क्या कहते हैं बंदी ने क्या कहते हैं स्कार्फ नहीं पहना लेकिन आपके ऊपर वो स्कार्फ बहुत अच्छा लगे, तो वो चीज़ आप ट्राई करें। मे बी उस बंदी ने बैंगल नहीं पहने लेकिन आपके ऊपर बैंगल बहुत अच्छे लगे, मे बी उसने बिंदी नहीं लगाई है लेकिन आपके ऊपर वो बिंदी बहुत प्यारी लगे, तो उस चीज़ को आपको देखना है कि आप उस चीज़ में कैसे लग सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको इतना ही कहूँगी कि वो चीज़ें करें जो आपको हैप्पीनेस दें, और उन लोगों को फॉलो करें जो आपको मोटिवेट करें। अगर कोई बंदा आपको डीमोटिवेट करता है, लाइक उसका फैशन इतना ज़्यादा अच्छा है और वो कहते हैं बहुत महंगी महंगी चीज़ें कॉस्टली कॉस्टली चीज़ें पहन के आपको दिखाता है लेकिन वो आपके बजट में नहीं है, तो मेरे ख्याल से उसको आपको अनफॉलो कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं हम उसे डीमोटिवेट हो रहे हैं, यार काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, तो वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। इवन मैं भी कहते ध्यान रखती हूँ अपने ब्लॉग में कि मैं हमेशा INRs को कहते दूँ ताकि कोई भी क्या कहते हैं बंदा ये तो उसको देखे कि यार ये तो मेरे पॉकेट में है, फ्रेंडली है, तो मैं उसी को लूँगा, ये तो वो ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा पॉकेट का ध्यान रखती हूँ, इवन क्या कहते हैं मैं कभी भी ऐसी चीज़ें ट्राई नहीं करती हूँ कि जो मेरे ऊपर अच्छी ना लगे। इवन मेरे ऊपर शर्ट अच्छी नहीं लगती है, क्या कहते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ, तो मुझ पर जो अच्छा नहीं लगता मैं नहीं पहनती हूँ। इवन अगर इफ़ वो ट्रेंड में भी हो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं अगर आप पे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो अच्छी नहीं लगेगी, बिलीव मी। और अगर वो आप पे अच्छी लग रही है कोई चीज़ तो
ओके गाइस, इसके साथ मैं आपसे कहते इस वीडियो को खत्म करने की इजाजत चाहूंगी, परमिशन चाहूंगी, और ये वीडियो बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, तो आई डोंट नो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो बिलीव मी गाइस, कंटेंट भर भर के आने वाला है। क्योंकि कभी कभी मैं क्या कहते बिजी होती हूँ, एडिट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अपना काम खुद करना बहुत बिलीव रखती हूँ। एडिटर्स है मेरे पास, बट आई रियली वॉन्ट कि मैं खुद एडिट करूँ, वो चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो गाइज, आप क्या कहते हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं कि वीडियो बहुत सही है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तभी करना जब आपको लगे कि हाँ यार मेरे पॉकेट पे है, मेरे बजट फ्रेंडली है। ओके गाइज, तो कहते हैं बाय, लव यू गाइज, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना गाइज। ओके बाय, लव यू।